बेजात लव ऑफ सेल्फ मैं और मेरी को खत्म कर दिया तो यकीनन तमाम खबीस सिफात आपसे दूर हो गईं और तमाम नूरानी सिफात आपके कदम चूमने लगेंगी। आयतुल्लाह हमदानी के लिए मिलता है कि उनके शागिर्द थे जो बागी शागिर्द हो गए और जाके उनके खिलाफ बहुत झूठा प्रोपेगंडा करने लगे। दूसरे भी इनके शागिदों ने कहा कि ये आपको बदनाम कर रहे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मत लगा रहे हैं कि हम इसका जवाब दें। इसे इनके शागिद में हजरत आयतुल्लाह दस्तगैब शहीद भी मौजूद थे। इन्होंने शागिदों को मना किया, नहीं नहीं किसी को हक नहीं है, ये मेरा मामला। फिर उसी शागिद ने आके माफी मांगी और वो बागी शागिर्द फिर माफी मांगने के बाद फिर वो ये हरकतें करने लगे। फिर शागिर्दों ने कहा साहब ये फितना कर रहा है, ये आपकी शख्सियत को खराब कर। इन्होंने कहा शागिर्दों को जमा करके कहा कि भाई जवाब आप भी दे सकते हैं मैं भी दे सकता मगर जवाब इंसान कब देता है जब इंसान का कोई वजूद हो, अपने को कुछ समझे। मकाम फना यह है कि इंसान तमाम काम अल्लाह के हवाले करता है, वहां सारे उमूर फव्विज अमरी इलल्लाह। ये मकाम बहुत बुलंद मकाम है, ये मकाम फना है। बस एक मरतबा इंसान खुदा को वकील बनाता है तवक्कुल। तवक्कुल भी बड़ा मकाम है मगर तवक्कुल में यानी अभी मैं है ऐ खुदा तू मेरी मदद कर, ये अभी ये भी बुलंद मकाम है, मामूली मकाम नहीं है तवक्कल। कि सारी दुनिया से मायूस होकर इंसान सिर्फ अल्लाह की जात में भरोसा करता है, उससे वकील उस पर तवक्कल करता है। लेकिन वहां अपनी ख्वाहिश मौजूद है, अभी तमन्ना मौजूद है। मकाम फना ये है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे मालिक जो तेरी रजा वो मेरी रजा। ये बुलंद तरीन मकाम है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सलमान फारसी को इतना बुलंद मकाम रसूल खुदा ने क्यों दिया, सलमान अहल बैत में से। फरमाया यही मकाम फना की वजह से, सलमान ने खुद को अहल बैत की मोहब्बत में फना कर दिया। सलमान ने खुद को अली मौला की मोहब्बत में फना कर दिया। सलमान की कोई अपनी मर्जी नहीं होती थी, सलमान की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती थी, सलमान वही चाहते थे जो मौला अली चाहते थे, सलमान वही चाहते थे जो अहल बैत चाहते थे। ये मकाम फना है।